हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्लास सेवन चैप्टर फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क सिल्क को हिंदी में रेशम कहते हैं सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स सो ऊन की तरह ही रेशम भी एक एनिमल फाइबर है सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स सिल्क फाइबर्स को सिल्क वॉर्म रेशम का जो कीड़ा होता है वो इसको बनाता है वो इसे स्पिन इस करता है द रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर ऑबटेनिंग सिल्क इज कॉल्ड से अभी लोग जो सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि उससे उन्हें सिल्क मिले इसे कहते हैं सेरिकल्चर फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट और ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव आपके घर में आपकी मदर आंट या फिर ग्रैंड मदर के पास सिल्क की साड़ियां जरूर होंगी तो किस टाइप का वो सिल्क है उसको आप पता करेंगे और यहां पर लिस्ट करेंगे बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग सिल्क तो इससे पहले हम सिल्क ऑप्टेन करने का पूरा प्रोसेस डिस्कस करें उससे पहले जरूरी है कि हम इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ को जान लें। सिल्क मॉथ यानी कि जो एडल्ट सिल्क वॉर्म है उनकी क्या लाइफ हिस्ट्री है पहले हम उसे देखेंगे द फीमेल सिल्क मॉथ एग्स So, सबसे पहले तो जो फीमेल सिल्क मौत है वो एग्स ले करती है मलबरी लीव्स के ऊपर शैतूत के पेड़ की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर इस तरीके से अंडे देती है फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉम्स अब जब ये एग्स हैच होते हैं तो इनसे कैटरपिलर निकलता है जिसे हम बोलते हैं सिल्क वार्म. ये देखिए ये है सिल्क वार्म. दे ग्रो इन साइज उसके बाद कैटर पिलर साइज में ग्रो होते हैं बड़े होते हैं एंड वेन द कैटर पिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यपा और जब ये तैयार हो जाते हैं अपनी लाइफ हिस्ट्री की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए जिसे हम प्यूपा कहते हैं इट फर्स्ट वीव आर नेट टू होल्ड इट सेल्फ सबसे पहले अपने आपको होल्ड करने के लिए एक नेट एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरीके से और ये से बनाते कैसे हैं फॉर्म ऑफ द फिगर एट ये अपने हेड को सर को स्विंग करते हैं एट के फॉर्म में इस तरीके से अपने सर को घुमाते रहते हैं कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दी मूवमेंट ऑफ द हेड और सर की जब ये मूवमेंट होती है द कैटर पिलर सीक्रीट फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन एक प्रोटीन का बना हुआ फाइबर ये सीक्रीट करते हैं विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर और जब वो बाहर हवा के संपर्क में आता है तो वो फाइबर हार्ड हो जाता है एंड बिकम सिल्क फाइबर और वो बनता है सिल्क फाइबर सोन द कैटर पिलर कंप्लीटली कवर्स इट सिल्फ सिल्क फाइबर्स उसके बाद उन सिल्क फाइबर से वो अपने आप को कंप्लीटली ऐसे कवर कर लेता है एंड टर्न इंटू प्यूपा और फिर बनता है प्यूपा अगर इसको ब्रेक करके हम देखेंगे तो इसके अंदर से प्यूपा मिलेगा आपको ये देखिए कैटर पिलर के बाद ये नेक्स्ट स्टेज है इसे हम कहते हैं प्यूपा This covering is known as अभी ये जो covering है ऊपर की इसे हम ककून बोलते हैं द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यू मौत वो मौत बनेगा ये पूरी डेवलपमेंट ककून के अंदर ही होती है तो ये फोर स्टेजेस है डेवलपमेंट की सबसे पहले एग्स होंगे वो हैच होंगे तो कैटरपिलर सिल्क विल्क वार्म बनाएगा अपने चारों तरफ ककून और उसके अंदर जब वो रहेगा तो उसे हम बोलेंगे प्यूपा फिर प्यूपा अंदर ही डेवलप होता रहेगा हो और फाइनली वो सिल्क मौत बनेगा सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ उसके बाद ये जो सिल्क फाइबर है इसको यूज करके सिल्क क्लोथ्स को वीव किया जाता है कपड़े बनाए जाते हैं रेशम के क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट सिल्क यान है इज एज स्ट्रांग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील वो इतना स्ट्रांग है कि स्टील का जो थ्रेड है स्टील से अगर आप एक धागा बनाए आप उससे उसको कंपेयर कर सकते हैं यानी कि बहुत मुलायम है लेकिन बहुत स्ट्रांग भी ये होता है बहुत मजबूत होता है द द सिल्क और थ्रेड इज फ्रॉम कून ऑफ सिल्क मॉथ सो ये हमने देखा कि जो सिल्क यान है मतलब रेशम का जो धागा है वो हमें सिल्क मॉथ के ककून से मिलता है देर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर अभी सभी सिल्क मॉथ्स एक जैसे नहीं होते इनमें भी वेराइटी होती है और वो सिल्क मॉथ्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं एंड द सिल्क यान दिल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर और इसीलिए जो सिल्क यान वो बनाते हैं जो रेशम का धागा बनाते हैं वो भी अलग होता है टेक्सचर में कोई कोर्स यानी कि रफ हो सकता है स्मूथ हो सकता है शाइनी चमकदार हो सकता है एटसेट्रा दस टसर सिल्क मूगा सिल्क कोसा सिल्क एटसेट्रा आर ऑप्टेन फ्रॉम ककून स्पन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ कु सिल्क के जैसे टसर है मूगा है कोसा है ये टेक्स्चर में अलग है शाइन में अलग है रीजन क्या है क्योंकि इनको डिफरेंट टाइप के मॉथ्स ने बनाया है मॉथ्स डिफरेंट है इसलिए उनके सिल्क का टाइप भी डिफरेंट है द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ और सबसे कॉमनली जो सिल्क मॉथ देखने को मिलता है वो है मलबरी सिल्क मॉथ जो कि शहतूत के पेड़ पर रहता है द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ और मलबरी सिल्क मॉथ का जो फाइबर है वो सॉफ्ट होता है लस्ट्रस चमकदार होता, होता है और इलास्टिक होता है एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट इन uh, कलर्स और उसको हम कलर्स में लोग सिल्क बॉम्ब को पालते हैं इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क कमर्शियल स्केल और इंडिया में खूब सारी क्वांटिटी में सिल्क प्रोड्यूस भी होता है उसके बाद कुछ एक्टिविटीज आपको दी है डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स इकट्ठे करने हैं

बाई देर एंटरप्राइज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू देशन इकॉनॉमी तो इस तरीके से थ्रो नेशन की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन चाइना में होता है इंडिया ऑल्सो रंग अमंगीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और इंडिया भी जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनमें से एक है अभी नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम ककोन टू सिल्क इस ककुन से फिर सिल्क बनने का क्या प्रोसेस है फॉर ऑप्टेनिंग मॉथ्स आर रियर एंड देर आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स सबसे पहले हम मॉथ्स को पालते हैं उसके बाद जो उनके ककून है उनको इकट्ठा करते हैं ताकि उनसे हमें सिल्क थ्रेड मिले so, सबसे पहला स्टेप है रियरिंग सिल्क सिल्क वॉम्स को पालना अ फीमेल सिल्क मॉथ हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है एक जो सिल्क मॉथ है फीमेल सिल्क मॉथ है वो एक बार में कई सौ अंडे देती है द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क बॉम फार्मर्स अभी इन एग्स को स्टोर किया जाता है बहुत ध्यान से कपड़े के या फिर किसी पेपर के स्ट्रिप के ऊपर और जो सिल्क बॉम फार्मर्स हैं, उनको बेच दिया जाता है अभी ये जो फार्मर्स हैं, सिल्क बॉम फार्मर्स ये इन एग्स को रखते हैं अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जितनी ह्यूमिडिटी की टेम्परेचर की जरूरत उन एग्स को है हैच होने के लिए उसमें रखते हैं द एग्स आर टू अ हैंचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स और इन ये जो एग्स हैं इनको उस टेम्परेचर तक वार्म किया जाता है उस तक गर्म रखा जाता है जहां पर इन एग्स से हैच होके लार्वा निकल आए दिस इज डन मेन मलबरी ट्रीज फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स और ये तब किया जाता है जहां पर मलबरी ट्री जो है उनके ऊपर नई पत्तियां आती हैं नाउ द लार्वा कॉल्ड कैटर पिलर्स ये जो लार्वा है जिन्हें कैटर पिलर्स या फिर सिल्कवाम्स भी कहते हैं ईट डे एंड नाइट एंड इनक्रीज इनॉर्मसली इन साइज दिन रात ये पत्तियों को खाते रहते हैं और साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं फिगर थ्री पॉइंट वन जीरो लार्वा आर केप्ड इन क्लीन बैंबू ट्रेस अलॉन्ग विद्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव सो इन लार्वा को बैम्बू की बांस की जो ट्रेस है उनमें रखा जाता है और साथ में बहुत फ्रेशली टूटी हुई मलबरी की शैतूत की पत्तियां भी रखते हैं जिसको ये खाते रहे आफ्टर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज और पच्चीस से तीस दिन के बाद द कैटरपिलर्स स्टॉप इटिंग वो खाना बंद कर देते हैं एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन और जो बैम्बू है बास है उसके एक चैंबर में चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ककून को स्पिन करते हैं ये से हम देख भी चुके हैं इनकी पिक्चर स्मॉल और ट्विक्स प्रोवाइडेड इन द टू विच गेट अटैच और इसमें छोटे या फिर ट्विक्स टहनिया भी हम रख देते हैं जिससे कि जो ककून्स है वो उसमें अटैच हो जाए द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द ककून इन साइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ और ये जो कैटरपिलर सिल्क वॉर्म है ये अपने चारों तरफ ककून को स्पिन करते हैं जिसके अंदर ये डेवलप होते हैं और फिर सिल्क मौत बनते हैं नेक्स्ट अभी हमें uh, सिल्क मौत से ककून ककून मिल गया है नेक्स्ट इज इज प्रोसेसिंग सिल्क सिल्क अ पाइल ऑफ फॉर फाइबर्स सो ककून्स का एक पाइल एक पूरा ढेर हम यूज करते हैं सिल्क फाइबर्स को ऑप्टेन करने के लिए द काकून आर केप्ट अंडर द सन उसको धूप में रखते हैं या फिर उनको बॉइल किया जाता है उबाला जाता है या फिर एक्सपोज टू स्टीम जो स्टीम है भाप है उस, उस पर रखा जाता है द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट और हमने देखा कि किस तरीके से वो बुनते हैं बिल्कुल इस तरीके से तो उससे जो फाइबर है जो धागे हैं उसके वो सेपरेट किए जाते हैं अलग किए जाते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क और ये जो प्रोसेस है जिसमें जो ककून है उससे हम धागे अलग करते हैं ताकि उनको एज सिल्क हम यूज कर सके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन अब ये जो रीलिंग है ये स्पेशल मशीन में की जाती है विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककोन जो कि ककोन से जो थ्रेड है जो धागे है उसको अनवाइंड करते हैं सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इन टू सिल्क थ्रेड्स उसके बाद इनको स्पिन करके सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं विच आर वुन इंटू सिल्क क्लोथ बाई वीवर्स जिनको वीवर्स फिर उनसे सिल्क क्लोथ बनाते हैं सो so ये पूरा प्रोसेस है एक बॉक्स यहाँ पर रह गया डिस्कवरी ऑफ सिल्क दी एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज पर की डिस्कवरी कब हुई ये टाइम तो अननोन है कोई नहीं जानता अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड लेकिन एक पुरानेर हुंग टी चाइना में एक एम्पर थे हुंग टी वो अपनी वाइफ, से पूछते हैं टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन दर गार्डन कि हमारे गार्डन में ये जो मलबरी ट्रीज हैं जो शहतूत के पेड़ हैं इनकी लीव्स डैमेज क्यों हैं वो किसी कीड़े कीड़े ने खाई हुई थी तो उसका कारण पता करने के लिए वो उनको कहते हैं द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स सो देखती है कि जो आ, उसकी लीव्स हैं उसके ऊपर कुछ वाइट वॉर्म्स उसको खा रहे हैं सफेद कुछ कीड़े हैं शी ऑल्सो नोटिस दैट देवर स्पिनिंग शाइनी ककून अराउंड देम और उसने ये भी देखा कि उन्होंने अपने चारों तरफ एक चमकदार ककून भी बनाया हुआ है एक्सीडेंटली अ ककून ड्रॉप इन टू हर कप ऑफ टी तो एक दिन बाई चांस उनके चाय के कप में ककून गिर जाता है एंड अ टांगल ऑफ डेलीकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द ककून और वो ककून ओपन होके खुल के बहुत सारे शाइनी थ्रेड्स जो धागे हैं सिल्क के वैसा उसको दिखाई देने लगता है अपनी चाय में सिल्क इंडस्ट्री बिगान चाइना उसके बाद चाइना में सिल्क इंडस्ट्री शुरू होती है एंड केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ और कई सालों तक चाइनीज ने इसको एक सीक्रेट की तरह रखा किसी को बताया नहीं गार्ड करके रखा लेटर ऑन बाद में ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस्ड सिल्क टू अदर कंट्रीज बाद में वहां से जो ट्रेडर्स आए जो व्यापारी आए या फिर ट्रैवलर्स आए उन्होंने बाकी कंट्रीज में भी सिल्क को इंट्रोड्यूस किया द रूट दे ट्रावल्ड इज स्टिल कॉल्ड सिल्क रूट हिस्ट्री में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा वो सिल्क को बेचने के लिए जिस रूट से जाते थे उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता था ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग